हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंक्लाइन सरफेस पर हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस, टोटल प्रेशर और सेंटर प्रेशर की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का हमारा प्रॉब्लम है आर रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप लाइज इन वाटर इन सच अ वे दैट इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फ्री सर्फेस ऑफ वाटर। डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर when the upper edge is 1.5 meter below the free water surface, okay? तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल प्लेन सरफेस है जो 2 मीटर वाइड है एंड 3 मीटर डीप है। मतलब इस तरह की एक रेक्टेंगल सरफेस है हमारी, ठीक है? ये तो है 2 और ये है 3। अब इस क्वेश्चन ने कहा है कि ये पानी में इस तरीके से डूबी हुई है कि ये कितना एंगल बनाती है, ये बनाती है अपना 30 डिग्री एंगल। ओके, जो थीटा एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना बनाती है वो 30 डिग्री। दूसरी इसने ये बात कही है कि अपर एज जो है वो 1.5 मीटर बिलो है फ्री वाटर सरफेस। अपर एज मींस दिस वन, क्लियर? अपर एज कौन सी है? दिस एज है। ये एज कौन सी है? अपर एज है। ये कितना है बिलो? 1.5 मीटर बिलो, ठीक है? जैसे अगर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं, ये एक प्लेट है जिसको हम अभी प्रोजेक्शन दिखाएं। अगर तो ये एक हमारी प्लेट है, हम इसको कैसे दिख रहे हैं, प्लेट रखी हुई है परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं अभी। ओके, तो इसकी जो अपर एज है वो है 1.5 मीटर बिलो। ओके, और ये हमने लिया है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट फ्रॉम द फ्री सर्फेस ऑफ लिंग वर्टिकल हाइट, ठीक है? वो क्या है? वो है हमारी, इसने दिया है बुक में, दिया गया एच बार। बुक में इस हाइट को एच बार से नोट किया, लेकिन अपन ने एक्सप्रेशन में किसे नोट किया था? अपन ने किया था एक्स बार से, ठीक है? और ये है इसके सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट, वर्टिकल हाइट, इसको हमने ली थी एच बार। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? तो सीधे सीधे हम पहले आते हैं, हमको दिया गया है वेट, डेप्थ और एंगल, ठीक है? अब आते हैं हम फॉर्मूले पे। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी ए एच बार एक्स बार। एक्स बार क्या होता है? टोटल फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, ठीक है? फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट। अब ये है इसकी 3 मीटर डेप्थ, जो ये है इसकी 3 मीटर है डेप्थ, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? टॉप एज से 1.5 मीटर पे, 3/2 पे, ठीक है? तो ये कितना है? ये है 1.5, ये है 1.5। तो इसको अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, ये तो हो गया 1.5, ओके? ये एंगल हो गया थीटा, तो ये वर्टिकल डेप्थ क्या हो गई इसकी? 1.5 साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा लेती हूँ, साइन थीटा इस ट्रायंगल में, अगर मैं साइन थीटा लेती हूँ इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लेती हूँ, थीटा डिवाइडेड, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसका? दिस वन जो हमको फाइंड करना है, माना एक्स, ओके, और कर्ण कितना है? 1.5। एक्स कितना आया? एक्स आया 1.5 साइन थीटा। थीटा क्या था अपना? 30 डिग्री था, ठीक है? अब ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं एक्स बार की। एक्स बार क्या होता है? फ्री लिक्विड सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट। फ्री लिक्विड सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट 1.5, तो वो ऑलरेडी नीचे जो ये डेप्थ है हमारी, जो यहाँ तक जो अभी हमने निकाला है, ये तो 1.5 को ऑलरेडी है, और अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया, ये क्या आ गया? 1.5 साइन 30, ठीक है? तो टोटल एक्स बार कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 1.5 साइन 30। मैं इसीलिए बार बार बोल रही थी कि जो x बार है वो है फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट। क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन है कि वो फ्री जो टॉप एज का 1.5 मीटर नीचे है, ठीक है? तो ये हो गया h बार। और अगर हम इसको फॉर्मूले में इसको सॉल्व करके, तो ये आया 2.25 मीटर, ठीक है? और इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, रो जी ए एच बार, वो है वाटर की डेंसिटी, जी है 9.81, एरिया हमने निकाली है 3 6, और x बार हमारा आया, तो ये टोटल प्रेशर आ गया। अब निकालेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर में भी सेम x बार, ठीक है? ig होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? तो सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला होता है h star = ig sin² थीटा,
अपॉन एच बार प्लस एच बार। यहाँ पर एच बार है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट, जो कि अपन ने एक्स बार ली थी, कंफ्यूज नहीं होना है अगेन। और एच स्टार है इसने सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट, जो हमने एच बार ली थी। ओके, तो अपने लिए ये फॉर्मूला होगा एच बार इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार। ओके, आई जी क्या था रेक्टेंगल सरफेस का, बी जी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। आई जी की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर लिया बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, और साइन 30, एक्स बार की वैल्यू पुट करी तो हमने सॉल्व किया और इसका आंसर आया 2.33 मीटर। इजी है बहुत तरीके से, अगर अपन करेंगे तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल में फॉर्मूले पुट करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन वैल्यूज को हमें ध्यान रखना है कि हमने रेफरेंस क्या लिया था। जैसे आई जी, तो आई जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में, कहीं और एक्सिस किसी और एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है। एक्स बार है फ्री लिक्विड सरफेस की, फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, जैसे इस केस में चेंज हो गई थी वो, ठीक है ना। ऐसे ही अगर तरीके से सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A circular plate 3 meter diameter is immersed in water in such a way that its greatest and least depth below the free surface are 4 meter and 1.5 meter respectively. Determine the total pressure on one face of the plate and position of the center of pressure. ध्यान देना, इसमें लिखा है कि सर्कुलर प्लेट का डायमीटर कितना है 3 meter का। Greatest and least depth below the free surface are 4 meter and 1.5 meter from the free surface. ठीक है, जैसे ये सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, अब इसकी ये बोली है लीस्ट डेप्थ कितनी है 1.5 और ग्रेटेस्ट डेप्थ, ग्रेटेस्ट डेप्थ बोली है इसने 4 मीटर। अब ध्यान देना, अगर मैं सोचूं, इसने हमको ये नहीं बोला है कि ये इंक्लाइंड है, क्वेश्चन में हमको ये नहीं बोला है कि जो हमारी सर्कुलर प्लेट है वो इंक्लाइंड इमर्स्ड है, बट हम वो कैसे पता करेंगे, वो हम ऐसे पता करेंगे। इसने बोला है प्लेट का डायमीटर है 3 मीटर का, लीस्ट डेप्थ है 1.5 मीटर, मतलब यहाँ से अगर ये अगर सर्किल हम मान लेते हैं सर्किल वर्टिकल डूबा हुआ है, हम मान लेते हैं सर्कुलर प्लेट हमारी वर्टिकल है, हमको इसने बोला लीस्ट डेप्थ है 1.5 मीटर और ग्रेटेस्ट डेप्थ, ग्रेटेस्ट डेप्थ मतलब जो इसका बॉटम पॉइंट है उसकी डेप्थ वो है 4 मीटर। ये इस नंबर गिवन है 4 और ये गिवन है 1.5, साथ में हमको इसका डायमीटर भी गिवन है दैट इज 3। तो अब आप ये सोचिए क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 तो इसका डायमीटर हो गया प्लस 1.5 हो गया, तो टॉप एज कहाँ आएगा इसका, 4 कहाँ होगी, 4 तो कहीं यहीं कहीं होगी, ठीक है। तो मतलब जो हमारी प्लेट है वो वर्टिकल डूबी हुई नहीं है। यहाँ से हमने ये समझ लिया कि जो हमारी प्लेट है वो वर्टिकल डूबी हुई नहीं है। अब कैसे डूबी हुई है वो देखते हैं। ये है फ्री लिक्विड सरफेस, माना हमारी जो प्लेट है, जैसे इसने बोला है 1.5 तो लीस्ट डेप्थ है उसकी टॉप एज की, और जो 4 मीटर है वो इसकी बॉटम एज की, बॉटम पॉइंट की डेप्थ है, ठीक है। तो हमारी प्लेट कैसे डूबी हुई होगी, इस तरीके से डूबी हुई होगी, इंक्लाइंड डूबी होगी, ठीक है। तो हमारी प्लेट किस तरह से डूबी हुई है, इंक्लाइंड डूबी हुई है, वो क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारी प्लेट इंक्लाइंड ही डूबी हुई है डेफिनेटली, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमको दिया है 1.5 इसकी डेप्थ लीस्ट वाली और 4 मीटर है इसकी ग्रेटेस्ट डेप्थ, तो हमको हमने इसे देखा कि जो हमारी प्लेट है वो इंक्लाइंड हो गई है। सेकेंडली 3 मीटर डायमीटर है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, तो जो ये जीसी है मतलब जीसी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इंक्लाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 1.5। अब ये भी 1.5 हमको गिवन है, ये 1.5 हमारा आगे कैलकुलेट हो गया और ये है 4। अब थीटा हमको इसमें गिवन नहीं था, थीटा हमको गिवन नहीं तो हमें थीटा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, थीटा हमको कैलकुलेट करना, वो कैसे करेंगे। थी ये 1.5 है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्लियर, हमने क्या करा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 1.5 हो गया सेम,
और तो ये ए बी कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5 मीन्स ये हो जाएगा हमारा 2.5। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, जेड सेक्शन से हम देख सकते हैं, एकांतर कोण हमने पढ़ा था मैथ्स में, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा हो गया, तो ये क्या है, ये है पूरी लेंथ क्या है हमारी 3 मीटर, दिस 3 मीटर और दिस 2.5 मीटर। तो इस ट्रायंगल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना, इस वाले ट्रायंगल से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा अगर हम लेते हैं वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है अपना यहाँ पर 2.5 और कर्ण है 3, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 2.5 डिवाइडेड बाय 3, थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है, अब आते हैं टोटल फॉर्म, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर की फॉर्मूले पे। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी ए एच बार एक्स बार, ए एक्स बार, अब एक्स बार कैलकुलेट करेंगे फ्री सर्किट, फ्री लिक्विड सरफेस की हाइट, ठीक है। तो 1.5 तो डूबा हुआ है ही, हमको ये 1.5 है, हम पहले ये वाली हाइट कैलकुलेट कर लें, ये वाली हाइट कैलकुलेट कर लें, उसके बाद में 1.5 उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल क्या हाइट हो जाएगी उसकी, 1.5 1.5 प्लस दिस वन, और ये वाली हाइट हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करी थी, ये क्या होगी, ये होगी इसका साइन थीटा, ये कितनी है 1.5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा हमने क्या कैलकुलेट की 2.5 बाय 3, तो यहाँ से जब हम ये सॉल्व करेंगे तो एच बार की वैल्यू आ जाएगी 2.749 मीटर, क्लियर। ये आ गया हमारा एक्स बार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री लिक्विड सरफेस में हाइट, तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे टोटल प्रेशर के फॉर्मूले में, दैट इज रो जी ए एच बार, और फॉर्मूले में पुट करने पर हमको टोटल प्रेशर फाइंड हो जाएगा। अब आते हैं इसके किस पे, टोटल प्रेशर निकाल, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने पे। इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार। आई जी है सर्कुलर प्लेट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाले एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना होता है पाई डी 4 डिवाइड बाय 64, टेबल से आप याद कर सकते हैं, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूले में पुट करी, आई जी की वैल्यू पुट किया, साइन थीटा की वैल्यू पुट किया, फिर एक्स बार की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से अपना वैल्यू आ जाएगा 2.891 मीटर। ये है फ्री लिक्विड सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज आ रही हैं बस वो समझनी है कि टर्म्स किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, ओके। तो इस तरीके से हम ये तो थे सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल फॉर द इंक्लाइन प्लेट, अब आगे थोड़े से हम और टफ, थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।